लेकिन अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल के उन रिकॉर्ड्स की जिन्होंने इस पारी में अपने नाम किए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड रहे हैं जो जायसवाल के यहाँ पर नाम दर्ज हुए हैं। सबसे पहली चीज की डेब्यू में उन्होंने शतक जड़ा और शतक हमने देखा है कि हाल फिलहाल में टीम इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी की बात कर ली जाए, हाल फिलहाल की अगर मुंबई के खिलाड़ी की बात कर ली जाए, रोहित शर्मा ने डेब्यू में शतक जड़ा था, 177 रन की पारी आई, जिसके अलावा पृथ्वी शॉ 134 रन की पारी डेब्यू में उनका शतक था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रेयस अय्यर हाल फिलहाल में जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था तो उनका भी शतक था, जायसवाल का भी शतक, यानी कि मुंबई के खिलाड़ी का शतक से खास कनेक्शन भी है, वो डेब्यू करते हैं तो वहां पर शतक ही लगाते हैं। तो ये जायसवाल भी उस लिस्ट में आ चुके हैं। अभी देखने वाली बात रहेगी क्या कप्तान रोहित शर्मा को ये पीछे छोड़ते हैं, छोड़ते उसके बारे में बताते हैं। बाकी डेब्यू में उन्होंने शतक जड़ा, इसके आगे अगर आप दिखाएं तो वहां पर बात कर ली जाए, डेब्यू में शतक जड़ने वाले भारत के 17वें बल्लेबाज बन गए। मैंने 4 खिलाड़ियों का भी नाम आपको यहाँ पर रख दिया, इसके अलावा सौरभ गांगुली, सुरेश रैना, तमाम खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके बाद की अगर जो बात कर ली जाए, वेस्ट इंडीज में डेब्यू में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने, ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि बाहर जाकर किसी खिलाड़ी ने शतक जड़ा है डेब्यू मुकाबले में, ये अपने आप में बड़ी बात दिखाता है। क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन पिचों पर, मैंने जो अभी आपको नाम गिरा दिए इसमें से अक्सर आपको दिख जाएंगे कि वो घर पर शतक जड़े हुए हैं, वो इंडिया में शतक बनाए हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन घर से बाहर यानी कि आप विदेशी धरती पर जाकर वहां पर अपने डेब्यू मुकाबले में शतक जड़ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा कारनामा है। और इस कारनामे को अगर देखा जाए तो विराट कोहली भी नहीं कर पाए, डेब्यू जो विराट कोहली का मुकाबला था वो वेस्टइंडीज में ही था। अगर बात कर ली जाए सुनील गावस्कर का, उनका भी डेब्यू मुकाबला वेस्टइंडीज में ही था, लेकिन उन्होंने भी अपने डेब्यू मुकाबले में शतक नहीं जड़ा था टेस्ट में। और यहाँ बात कर ली जाए जायसवाल की, इन्होंने अपने डेब्यू मुकाबला वेस्टइंडीज में कर रहे हैं, वहां पर इन्होंने शतक जड़ दिया। तो ये पहले बल्लेबाज बन गए जो वेस्टइंडीज में शतक जड़ने वाले डेब्यू मुकाबले में। इससे अगर बात की बात कर ली जाए तो ये वाला रिकॉर्ड भी, अगर आपने जो मैंने बात की, जो हम पेशेंस की बात करते हैं कि डेब्यू मुकाबले में सबसे ज्यादा गेंदे खेलने वाले भी ये खिलाड़ी बन गए, 350 गेंदे अभी तक खेल चुके हैं और ये लग रहा है कि शायद 400 से भी ऊपर हो सकता है। इससे पहले इस अगर हम रिकॉर्ड की बात कर ली जाए तो फिर ये मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम था, जिन्होंने भी अपने जो डेब्यू मुकाबले में 322 गेंदों का सामना किया था। तो ये वो रिकॉर्ड है जो इस पारी में इन्होंने बनाया। साथ ही इन्होंने पार्टनरशिप की अगर बात कर ली जाए तो जो पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई है रोहित शर्मा के साथ 225 रनों की, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि सबसे बड़ी पार्टनरशिप का जो इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है डेब्यू मुकाबले में। इन्होंने अच्छी पारी खेली, रोहित शर्मा का भी शतक आ गया। तो एक ऐसी पारी रही जो जायसवाल के लिए बड़ी खास रहेगी और बड़ी यादगार भी रहेगी।